नमस्कार दोस्तों, नो बकवास टेक की बात, मैं पीके आपके साथ आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये आइकिया से खरीदा हुआ एक फर्नीचर है जिसका नाम है नोडलैंड 504.171.00 और ये है एक बेड साइड टेबल। बेड के साइड में जो टेबल रखते हैं वो ये चीज़ है। तो आज अभी हम इस बक्से की अनबॉक्सिंग करेंगे और इसकी असेंबली को करके आपको दिखाएंगे कि इसकी असेंबली कैसे होती है। इसका प्राइस जो है वो 999 रुपीज़ है, यानी कि 1000 का मिलता है ये आपको। देखने में काफ़ी खूबसूरत और अच्छा है, मजबूत भी है। अब चलिए इसको अनपैक करते हैं। ये देखिए अनपैक करते हैं, यहाँ पे सबसे ऊपर हमको मिल जाता है इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसमें आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान तरीके से कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको एक फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी और इसके एक एक पार्ट्स को मैं बड़े ही सावधानी से बाहर निकाल कर पेपर के ऊपर रखूँगा। नीचे रखने से इसमें स्क्रैच आ सकते हैं और कभी भी जब दो पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो उसके नीचे कुछ कागज़ या गत्ते का उपयोग करेंगे जिससे कि इस पर स्क्रैच ना आए। अब ये देखिए ये पूरी तरीके से अनबॉक्स हो चुका है। अब इसके साथ मिले स्क्रूज़ को भी मैं अलग से निकाल के रख देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए आपको यहाँ पे 3-4 तरह के जो आइटम्स मिले हैं उसको मैं पहले सेपरेट सेपरेट करके रख लेता हूँ कि मुझे असेंबली में कोई दिक्कत ना आए। अब असेंबली शुरू करते हैं। इसमें आपको 10 जो हैं ये टू साइडेड स्क्रूज़ दिए हुए हैं। 10 इसमें आपको स्क्रू का कवर मिलता है, लॉकिंग लॉक नट बोल सकते हैं एक तरीके से। फिर उसमें आपको 10 लकड़ी के बिट्स मिलते हैं और 4 जो मिलते हैं वो प्लास्टिक के पैड्स जो कि बेस में लगेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले स्क्रूज़ और लकड़ी के बिट्स को उसके दिए गए जगह में स्क्रू ड्राइवर की मदद से लगा दें और लकड़ी के बिट्स को हल्का टैप करके ठोक ठोक के अंदर घुसा दे जैसा कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ। अब बेस प्लेट में सारे स्क्रूज़ और बिट्स को डालने के बाद अब बारी आती है इसमें वर्टिकल वॉल्स को लगाने की। इसे आपको दिए गए जगह पे लगा देना है और ये गलत जगह पर लगेगा ही नहीं। इसमें काफ़ी अच्छी फुल प्रूफिंग की हुई होती है तो आप ध्यान से देख कर लगाएंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। ये देखिए मैं इसे अभी वर्टिकल वॉल लगा रहा हूँ। एक वर्टिकल वॉल इधर लगेगा और दूसरा वर्टिकल वॉल उस साइड दूसरी तरफ लगेगा, फिर वर्टिकली इस तीसरे पट्टी को भी लगा देंगे। अब इसमें अच्छी बात यह है कि आप इसे यदि उल्टा लगाएंगे तो ये लगेगा ही नहीं। तो ये देखिए ये जब सीधी तरीके से अब ये जा चुका है, अब यहाँ पे ऊपर जो होल्स दिख रहे हैं इसमें फिर से आपको स्क्रूज़ और वो बिडिंग्स डालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो आपको लॉक नट्स दिए हुए हैं उसे पहले मैं नीचे की तरफ लगा देता हूँ ताकि जो है वो हमारा स्क्रू जो है वो अच्छे से टाइट हो जाए और लॉक हो जाए, हमारा पैकिंग अच्छे से हो जाती है इस स्क्रू को लगाने के लिए। और इसको पैक करने के लिए हमें फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है तो उसे अच्छे से फ़िलिप्स स्क्रू ड्राइवर से अच्छे से पूरे लॉकिंग पोजीशन तक ला के फुल टाइट कर दे। तो उससे क्या होता है कि ये ऑटोमेटिक जो है पैकिंग अच्छी हो जाती है इससे। अब बढ़ते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो टॉप प्लेट में भी बेस प्लेट की तरह सारे स्क्रूज़ और लकड़ी के बिडिंग्स को लगा के जस्ट उसको ऊपर रख के उसे टैप करके फिट कर देना है। फिट करने के बाद लॉक नट्स या लॉक स्क्रूज जो भी बोलें आप उसको लगा के हम टाइट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी असेंबली जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी। तो ये सब होने के बाद अब मैं यहाँ पे लॉक स्क्रूज़ लगा रहा हूँ और मेरे इस बेड साइड टेबल की असेंबली ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है। जस्ट मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि सारे लॉन्ग नट्स जो हैं वो अच्छे से टाइट हैं या नहीं। और ये देखिए बेस में मैंने प्लास्टिक के बिट्स भी डाल दिए। अब एक बार फाइनल चेक होने के बाद हमारी असेंबली तैयार है, आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य जानकारी या प्रोडक्ट रिव्यू या अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं।